मैं गलत औरतों से गलत आदमी से बात नहीं करती हूँ। हमारी किताब में प्रेम की भाषा नहीं सुधरता तो हम आदमी को सीख दे देंगे, सड़ा के मार डालेंगे। अगर आप मेरे को तंग करोगे तो आपको गाली नहीं देंगे, क्या फूल माला जलाएंगे? चुनाव एडवाइजर हूँ मैं, पॉलिटिक्स खत्म करूंगी, पाकिस्तान तालिबान सबको एक करूंगी। इसका मतलब हमारे महावीर जो हमारे गुरु है वो तो सबसे ज्यादा बेशरम है, बस वो यह है उसका धंधा है। अब उसका धंधा है सबके बारे में इसका, वो जो बोल रहा है जाओ, जो बोल रहा है वो। अच्छा वो अम्मा सुनो ना, आपकी तो बहुत तारीफ सुनी है मैंने, आपकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है। आप अब उसे जब बात करोगे आप सच्चे आदमी से बात, हाँ, सच्चे आदमी से बात करूँ इसीलिए तो आपके पास आई हूं। अगर आपको गलत आदत तो आप वहीं जाइए, चलिए आप। नहीं, मैं तो आपके पास आई हूँ ना अम्मा, मैं गलत औरतों से गलत आदमी से बात नहीं करती हूँ। हाँ, नहीं करेंगे अम्मा, बस हाँ। अच्छा अम्मा, आपकी हिस्ट्री जो मोदी जी आए उसके बाद मिलने। एक बात सुनो, आप मुझे उल्टा सीधा बोलोगे मारोगी, और जब हम आपसे प्यार से अगर कह रहे आप चल जाओ तो हम आपको गाली नहीं देंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। जाओ अपना काम करें। मोदी जी आए दोबारा मिलने, मुझे सासु बहन मत चढ़ा, मैं सर में हाथ, मैं कहाँ चढ़ा रही हूँ बताइए, बताओ ना अम्मा। हमारी किताब में प्रेम की भाषा नहीं सुधरता तो हम आदमी को फांसी दे देंगे, सड़ा के मार डालेंगे। हाँ। चाहे वो बच्चा हो चाहे आदमी हो। हाँ। गलत, लेकिन हम पहले सुधरने का मौका देंगे, उसकी समस्या को सुनेंगे, ये नहीं कि पहले ही झापड़ मारने लग जाए। हाँ। हम उसकी समस्या, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी कोई वजह है? अगर हम तेरे को कह रहे हैं हट जा तो हट जा। हाँ। सही बात है अम्मा। बस हमें नहीं, हमें जो अगर आप निकटोगे हैं तंग करोगे तो हम आपको गाली नहीं देंगे, तो क्या फूल माला चढ़ाएंगे? क्या हम कबीर बन जाएंगे, महात्मा बुद्ध यूं बैठ जाएंगे? अगर ऐसे ही होते तो फिर काहे को औरंगजेब को इतने लोगों को शहीद कर दिया? धर्म की रक्षा करो बस। आप तो बहुत वायरल हो रहे हो, आपको पता है वायरल होने से फायदा जब है, जब हम पॉलिटिक्स में आ जाएं और दुनिया का चुनाव लड़ोगी? चुनाव एडवाइजर हूँ मैं, पॉलिटिक्स खत्म करूंगी, पाकिस्तान तालिबान सबको एक करूंगी। एक कर दोगे? बिल्कुल। और ऐसे पार्टियों के प्रचार बंद कर दूंगी। हाँ। अगर तू मुझे तंग करेगी हम तेरे को मारेंगे। नहीं। हाँ। आपको तंग करते हैं यहाँ पे लोग, बैठने नहीं देते। सारी दुनिया एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रही है। हाँ। धंधा हो रहा है लोगों का। कैसा ये जो चल रहा है, जो सुन रही होती है एक घंटे से। अच्छा अम्मा, मेट्रो में एक लड़की जो है वो बिकनी पहन के जा रही है, तो क्या हुआ क्या फिर? नहीं जाना चाहिए, किसी जमाने में था। अब देखने वाले की गलती है, पहनने वाले की कोई गलती नहीं है। मतलब बिकनी पहन के मेट्रो में जा सकते हैं क्या? कुछ भी। ये अब समय बदल चुका है अम्मा, आप विदेशों की यात्रा ज्यादा करती थी इसीलिए आप ऐसे बोल। अब समय बदल चुका, आप अपना मन साफ रखिए। मन साफ होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। जो अंग है जो देख रहा है उसकी गलती है, जैसे नाक है, जैसे ये ऐसे ये। अच्छा। बस इसको ढक गया, ये मर्यादा है इसलिए अलग रखी जाती है ताकि बढ़े, जैसे लैट्रिन बाथरूम तो मर्यादा में कर जाए। पर आजकल फैशन बन ही रहा है, बिल्डिंगों में फैशन बन रहा है। रखो अपना मन साफ रखो। मेरे सामने कोई नंगा भी आ जाए मेरा मंडा और डोल होगा। इस उम्र में क्या होगा अम्मा, अब तो उम्र निकल गई। अगर वो पहनने वाले की गलती नहीं है, आपका ध्यान उस पर क्यों जा रहा है? आप उसको अपनी माँ बहन समझिए। और ये तो एक शरीर का अंग है, पर लोग इसके गाल खींचने इसका ये सुंदर है। और आदमी अपने अंग को दिखाता है, औरतें दिखाती है ताकि लोग अट्रैक्ट हो। और अंदर क्या लोचड़ा है, अब ये खोल उतार दे तो बिकनी उकनी सब फेल हो जाएगी। सही बात है, सब कुछ फेल हो जाएगा। बताइए अम्मा ने बिकनी गर्ल के लिए जो है ना फेवर में आ गई है अम्मा। अच्छा चुनाव लड़ना है आपको? चुनाव लड़ना है, कौन सी पार्टी से लड़ना चाहती है? ये ड्रेस है, अपने मन को साफ रखो। चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ना है? तो इसका मतलब हमारे महावीर जो हमारे गुरु है वो तो सबसे ज्यादा बेशरम है। जो कपड़े नहीं पहनते, फालतू बातें मत करो। वो तो माँ बेशरम है। बहुत ज्यादा वायरल हो रही है अम्मा, अम्मा कह रही है कि मैं वायरल नहीं हो रही, मेरे को चुनाव लड़ना है। गंदगी के साथ रहो, चाहे मर्यादाएं बनाई गई है कि भाई ऐसा करेंगे तो आदमी भड़क जाएगा। हाँ। जैसे सागर अपनी सीमा तक उपयोगी है। हाँ। इसी तरह ये मर्यादाएं हैं। हाँ। कि हम उसको दिखाएं, ये तो सबसे महागंदी चीज है। हाँ। पर औरतें कहते हैं मेरे घुटने कितने सुंदर, मेरे पांव एड़ी कितनी सुंदर, मेरे गाल कितने सुंदर। हाँ। जैसे जवानी में हमको भी था, जवानी में आपको भी था, बिकनी पहनी है आपने जवानी में। मेरी आंखें सुंदर है, मेरे बाल। हाँ। बस नहीं, ये आ गई वहां से इस पंडित के लगी हुई, जा ये उनकी जगह है, अब इनका धंधा। आप आगे, मैंने इतना बोल दिया, अब मेरा भाषण सुनना हो तो मेरा एकम्प्रेशन हो। देख पागल क्या बोल रहा है, नहीं जाते हैं ऐसे।
सारे बदतमीज कहाँ से पैदा हो गए हिंदुस्तान में? सारे बदतमीज हिंदुस्तान में पैदा हुए आप कह रहे हैं? गुंडागर्दी बदमाशी फैल गई है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, सब जगह है। मंत्रियों के पास 10-10 बॉडी गार्ड है, अभी आदमी भड़ास निकालते हैं। हाँ तो बिल्कुल हर आदमी डॉन बन रहा है। पढ़े लिखे कितने हो? पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, मैंने यहाँ की पढ़ाई आत्मा की पढ़ी है। आप बहुत गाना सुना दो कोई एक। आप टाइम पास करो, अपना वीडियो बना दो, वो देख कैसे देख रहे हैं मुझे। कच्चा चबा जाएगा, कच्चे चबा जाओगे आप अम्मा को? बताइए अम्मा क्यों चबाएंगे वो? उसकी जगह है। अच्छा, हम अब गलत काम कर रहे हैं हमारे, ये काम करना तो जाओ मैदान में। मैदान में जाओ, बताइए। देखिए हम लोग चांदनी चौक पहुंचे और वायरल अम्मा के बारे में लोग यहाँ पे कहने लगे कि अम्मा जो है वो गालियाँ देती है, तो हमने सोचा कि अम्मा से चंद बातें जो है वो कर ली जाएं। अम्मा कह रही है वायरल हुई तो क्या हुआ, मेरे को चुनाव थोड़ा ना कोई लड़ने दे रहा है, क्योंकि फिलहाल अम्मा को चुनाव लड़ना है। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।